तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्केमिक्स पर। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, चलिए फर्स्ट प्रीव्यू देख लेते हैं। म्यूजिक तो गाइज आप लोगों को तो प्रीव्यू देख ही लिया होगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस तरह का वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो वीडियो को क्या करना है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना। मैं बहुत ही सिंपल वे में हर एक स्टेप को एकदम से डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से इस वीडियो को क्रिएट कर पाओ। एंड इस वीडियो को क्रिएट करने में जो भी मेटेरियल का मैं यूज करूंगा सारा कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग फर्स्ट जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस इस तरह का वीडियो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। देखिए इस तरह का वीडियो बनाने के लिए फर्स्ट आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन का जरूरत होगा। एंड कैपकट एप्लीकेशन का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। देखिए ओपन करते कुछ स्टेप का इंटरफेस है। एंड कैपकट एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोई सा भी एक वीपीएन को आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। एक वीपीएन एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप लोग डाउनलोड करके उसे भी टैप टू कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस देखिए फर्स्ट आप लोग क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टच करना है। उसके बाद गाइस आप लोग एक 4 सेकंड का वीडियो मिलेगा, उसे फर्स्ट ऐड करना है। तो देखिए ये वीडियो है, इसे आप लोग ऐड कर लीजिए। देखिए एकदम से सिंपल वे में दिखाएंगे तो इसलिए ध्यान से देखते रहिए, आप लोग बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाओगे। देखिए उसके बाद यहाँ पर जो एंडिंग वाला पोर्शन है इसे आप लोग यहाँ पर डिलीट के बटन पर टच करने के बाद डिलीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक बहुत ही सिंपल था। अब ऐड ऑडियो का एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, देखिए इस पर टच करें। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर टच कर लीजिए। टच करने के बाद आप लोग को 10 सेकंड का एक वीडियो मिलेगा, इसे आप लोग इस तरह से ऐड करें तो ऑडियो जो है नीचे देखिए ऐड हो चुका है। अब गाइस आप लोग क्या करना है, यहाँ पर साइड में एक प्लस का आइकॉन शो कर रहा है, इस पर टच करें। एंड अब आप लोगों को गैलरी से 12 फोटो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं 12 फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज आप लोग इस तरह से 12 फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड 12 पे टच करें, तो देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है 12 फोटो। अब देखिए सभी फोटो को क्या करना है, इसको बीट के अकॉर्डिंग कट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट आप लोग को पिक्चर पर टच करें एंड सभी पिक्चर का ड्यूरेशन आप लोग को 0.5 सेकंड तक रखना है। तो देखिए यहाँ पर 0.5 सेकंड तक फर्स्ट फोटो हो गया। अब सेकंड फोटो को भी आप लोग 0.5 सेकंड तक करना है। तो इस तरह से गाइज जितने भी फोटो आप लोगों ने सिलेक्ट किए हो 12 फोटो को ही 0.5 सेकंड तक सभी फोटो का ड्यूरेशन रखना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, इस तरह से खींचे एंड यहाँ पर देखिए 0.5 जहाँ पर हो रहा है इस तरह से रोक दीजिए। तो इस तरह से गाइज आप लोगों को सभी फोटो को क्या करना है, 0.5 सेकंड तक सभी फोटो को कर लेना है। तो गाइज ये जो प्रोसेस है मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज देखिए सभी फोटो को 0.5 सेकंड तक कर लिया है एंड लास्ट फोटो को 1 सेकंड तक रखना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये बीट के अकॉर्डिंग कट हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर बीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत ही आसान से देखिए आप लोगों को मैं दिखा दिया कैसे कट करना है, ठीक है। सभी फोटो का ड्यूरेशन 0.5 सेकंड तक ही रखना है। अब देखिए फर्स्ट फोटो पर टच करें, यहाँ पर एनिमेशन करके ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर टच कर लीजिए। यहाँ पर अगर नो इंटरनेट कनेक्शन करके आप लोगों को आ रहा है तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो गाइस देखिए फर्स्ट फोटो पर टच करें, यहाँ पर कॉम्बो पर टच कर लेना है। कॉम्बो पर टच करने के बाद कुछ एनिमेशन देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। तो फर्स्ट आप लोग डेस्कटॉप लेफ्ट ये वाला जो है इस पर टच करें, देखिए आप लोग देख सकते हो ये वाला, तो इस पर टच कर लीजिए। टच करने के बाद सेकंड फोटो पे आप लोग क्या करना है, ये जो 4 नंबर वाला इफेक्ट है इस पर टच करें। अब नेक्स्ट फोटो में फिर से आप लोग को डेस्कटॉप लेफ्ट को ढूंढना है, देखिए ये वाला को टच करें। एंड उसके बाद के पिक्चर में आप लोग ये वाला 4th वाला जो है इस पर टच करना है। फिर से आप लोग को डेस्कटॉप लेफ्ट एंड नेक्स्ट के पिक्चर में आप लोगों को ये 4 नंबर वाला इफेक्ट जो है श्रिंक एंड बाउंस इसको टच करना है। तो इस तरह से गाइज आप लोगों को डेस्कटॉप लेफ्ट एंड श्रिंक एंड बाउंस को ऑल्टरनेट करके सभी फोटो में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सभी फोटोज़ में ऐड कर लिया है। तो इस तरह से गाइज आप लोगों को भी कर लेना है, देखिए बहुत ही सिंपल था और यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर सारा जो फोटो है वहाँ पर मैंने एनिमेशन ऐड कर लिया है। तो गाइज आपका जो वीडियो है बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं ऑडियो को बिना प्ले कर रहा हूँ, आप लोग ऑडियो को साथ सुनना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए इस तरह से होगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है गाइज ये वीडियो और अभी इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो आप लोग भी बनाकर अपलोड जरूर करें। तो चलिए गाइज आज का वीडियो कितना, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करेगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।